बुंदेलखंड की राजनीति में जातिगत समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब बात विकास की होने लगी है। इस ब्रिज पर दोनों ओर लाइट्स हैं और वेलकम टू गढ़ाकोटा का ये साइन बोर्ड आपको बता रहा है कि बुंदेलखंड की सियासत में अब बात विकास की होती है और अब सवाल जवाब भी विकास को लेकर ही होते हैं। चुनावों की सरगर्मी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुंदेलखंड की सर्द रातों के बावजूद भी यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और गोपाल भार्गव को ये तमाम ग्रामीण घेरे हुए हैं। गोपाल भार्गव भी एक एक शख्स से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके बारे में हालचाल जान रहे हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी मौजूद हैं। रेहली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से गोपाल भार्गव रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं और इस बार भी वो अपना ये रिकॉर्ड कायम रखना चाहेंगे। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है उन तमाम लोगों की जो लगातार हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। शायद ये इकलौती ऐसी विधानसभा है मध्य प्रदेश की जहाँ पर जो उम्मीदवार है वो जनता के बीच में नहीं जा रहे, बल्कि जनता उनके पास खुद आ रही है। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं और इस समय बुंदेलखंड की सर्द रात में उनके साथ में मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है, लेकिन ये मजमा और जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपाल जी, अक्सर देखने में आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या सियासत आगे होती है, कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी आती है। यहाँ उल्टी तस्वीर कैसे देखने को मिल रही है? 5 साल काम करें और दिन और रात ना देखें। अभी ये 11 बजा है, कम से कम 3 या 4 बज जाएगा सुबह का। यही सभी लोग रहते हैं, चुनाव के समय भी रहते हैं, इसके पहले भी रहते, थोड़े कम रहते हैं। लेकिन लोगों की मदद करना, सेवा करना, दिन में रात में सभी, बीमारों की मदद, शादी वादी करवाना, क्षेत्र का विकास करवाना, एक एक गांव। अभी गांव जो है हमारा सिमरिया नायक, कभी एक प्रकार से 10 साल पहले नर्क जैसी स्थिति थी। बारिश में यदि नदी आ जाए, हमारी उदिहार नदी है या दूसरी पीछे तरफ दूसरी नदी आ जाए, तो लोग खटिया पर भी अपनी बीमार के लिए नहीं ला पाते थे। आज पुल बन गए, सड़कें बन गई, सारे स्कूल, लोगों ने साल मांग की हाई स्कूल हो जाए, हाई स्कूल खुल गया, तमाम प्रकार की तरक्की विकास हो गया, सिंचाई की सारी व्यवस्थाएं हो गई। अर्जुन सिंह, हमारे दिग्विजय सिंह के समय बिजली नहीं आती थी, जनरेटर आते थे आगरा से, हफ्तों तक बिजली नहीं आती थी, आधी हैरानी से पड़ी रहती, सिंचाई पड़ी रहती थी। आज लोग आज़ाद हैं, 1 रुपये किलो का गेहूँ मिल रहा है, 20 रुपये किलो में सरकार खरीदती है, 1 रुपये में देती है। ये तो सब है ही हैं, लेकिन मैंने निजी रूप से इस अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि अपना परिवार माना, ये हमारा खानदान है, ये हमारा एक प्रकार से यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति हमारे खानदान का, हम इसको ऐसा राजनीतिक की तरह नहीं, ऐसा पालते पोसते हैं जैसा एक माँ अपने बेटे और बेटियों के लिए पालती पोसती है। यहाँ लगातार तमाम विधानसभा इंडिया फर्स्ट कवर कर रहा है और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इतनी देर रात हो चुकी है, थकान आपके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही है, अन्यथा तमाम प्रत्याशी थक के चूर हो जाते हैं इस वक्त आते आते। आज काफ़ी कार्यक्रम थे, ढाना में भी था, सागर में पत्रकार वार्ता थी, हमारे वो दिल्ली से आए थे नेता, और भी कार्यक्रम थे, उनको करते हुए अभी यहाँ आया हूँ 2-3 घंटे पहले। अब करूँगा, 4 बजे रात को जाऊँगा, 6 बजे फिर उठ जाऊँगा, 2 घंटे सोते हैं और जब चुनाव नहीं होता है तो 3-4 घंटे। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही 40 साल से, और मैं मान के चलता हूँ कि जब आदमी काम करता है तो लोग भी उसके काम का मूल्यांकन करते हैं। अब हमें इतना समय हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक भी आदमी इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है, किसी ने वोट दी किसी ने नहीं दी, जैसे इसी चुनाव में इस गाँव से हार गए थे पिछले चुनाव में, लेकिन बदले का भाव मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैंने इस गांव में और इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश की, प्रयास किया कि हम लोगों के हृदय को, उनके मन को जीत लें। तो मुझे लगता है कि इस बार ये गांव के लोग जो खड़े हैं, ये मान के चलो आपकी इस बार जैसा कि उन्होंने वचन दिया है, तो ये काम हमारे हो जाएँ, हम आपके लिए 100% वोट गाँव से दिलाएँगे। और मुझे विश्वास है कि सभी धर्मों के लोग हैं वहाँ पर, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, लोधी समाज भी है, कुर्मी समाज भी है, ब्राह्मण समाज है, सभी समाज हैं, लेकिन सभी लोग बगैर जाति के भेदभाव के, धर्म के भेदभाव के,
काम करते हैं, यही पुण्य आय है जीवन। दृष्टि हमने यहाँ पे देखा कि बाहर भजन हो रहे थे, अंदर मुस्लिम जो काफी जो लोग हैं वो अंदर आपके साथ बैठे हुए थे, और ये कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड के लिए मेरे रोचक पहलू इसलिए भी लग रहा है कि यहाँ पर जातिगत आधार पर काफी जो है वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और बयान। सही बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में मेरी जाति की संख्या कम है, सही बात है, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे परिवार की संख्या तो और ही कम है, 4 वोट हैं घर में, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और बेटा है और बहू है, 4 वोटों की दम पर और एक छोटी सी समाज के दम पर लगातार 35 साल तक राजनीति करना बगैर सेवा के बगैर विकास के संभव नहीं हो सकता। एक आध बार झटका मार के तो हम चुनाव जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, 35 साल तक नहीं चल सकते। साथ ये माना जा रहा था कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद एक बार फिर मैदान में उतरे हैं, तो क्या तैयारी पहले कम थी या आपने कहा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है, बहुत से नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं चुनाव से भी लड़ रहा हूँ कि 35 साल मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के जो मक्खन होता है एक प्रकार से शरीर का, उसको पूरा का पूरा चुपड़ दिया लोग बता। अब मुझे लगता है कि अब मैं सबसे सीनियर MLA यदि जीता तो सबसे सीनियर MLA मध्य प्रदेश का हो जाऊंगा। अब गौर जी भी नहीं खड़े हो रहे हैं, तो जब सबसे वरिष्ठ विधायक हो जाएंगे तो एक बार वो शौक भी हमारा पूरा हो जाए। कमलेश राव, एक प्रतिद्वंदी के लिए भी प्रश्न ले लेते हैं, कमलेश राव जो आपके कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का आंकलन है? मेरे खिलाफ 14-15 लोग खड़े हुए, उनमें से आज तक जिंदगी में कोई सरपंच नहीं रहा, वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, चाहे वो कोई साहू हो चाहे कोई भी हो, वार्ड मेंबर भी नहीं रहा, उसको ना कोई प्रशासन करवा, ना सरकार चलाने का, ना व्यवस्था का, ना विधानसभा का कुछ है। अभी यदि कहते हैं वोट दे दो जीतेंगे, देते सीखेंगे पहले 10-5 साल, और लड़का सीखे नाई का सिर कटेगा मार कैसे। तो हमें ना सिखवाना है और ना हमें सब करना है, समझे, तो ये सिखाने के लिए थोड़े स्कूल है कि नर्सरी है कोई, कि हमारा विधानसभा क्षेत्र शिशु मंदिर है कि हम पहले सिखाएंगे, हमें इतना आगे बढ़ा दिया, पहले प्राइमरी फिर मिडिल फिर हाई स्कूल फिर कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी में फिर और आगे बढ़ाते गए लोग, अब तुम जब तक वहाँ पहुँचोगे तब तक तो खेल ही खत्म हो जाएगा, सवाल ही पैदा होता है। लड़कों की बात करी, कुछ लड़के गुजरात से भी आए थे आपको घेरने के लिए? हाँ, वो एक हार्दिक पटेल करके आए थे, हमारे यहाँ सभा करके गए, 1000 किलोमीटर दूर से आए थे, हमने कई लोगों से कहा कि भैया ये तो सभा करके फाँक के चला गया, अब मान के चलो 1000 किलोमीटर दूर से जो आदमी आया है, अब यदि आप ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, आपका सिंचाई का सीजन चल रहा है, तो क्या वो यहाँ बदलवाने आएगा क्या? आप बीमार हो जाओ का आपके यहाँ इलाज करवाने आएगा क्या? 50 समस्याएं रोज आती हैं आदमी की, तो क्या वो हल करवाने आएगा? आके यहाँ पे गप्पे दे के गालियाँ दे के हमें चले जाना, हमको गालियाँ देते लोग चले जाते हैं, तो हम लोगों से कहते हैं कि अपना भाई जो है निकट का वही काम आएगा, ये सब गुजरात के लोग 1000 किलोमीटर दूर से आके गालियाँ देने का काम तो कर सकते हैं, आलोचना करने का काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई नहीं कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते, मुसीबत में साफ नहीं दे साथ नहीं दे सकते, यदि मान लो आना भी होगा 2 दिन आने में लगेंगे 2 दिन जाने में, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तो बेकार के लोग हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता इतनी समझदार है, इन लोगों की बदमाशी में आने वाले नहीं है। गोपाल जी का आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस दावा करे कि एंटी इनकमबेंसी का फैक्टर है और डिलीवरी कम हुई है, परफॉर्मेंस कम है, लिहाजा सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, आप एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आपका क्या आंकलन है? दूसरा, क्या सीटें कम होगी इस बात जो बात कही जा रही है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? कुछ नहीं है, 4-6 कैंचुए मिल के कोई सांप नहीं बन सकते, 4-6 बकरियां मिल के कोई हाथी नहीं बन सकता, और इसलिए मैं कहता हूँ ये सब जो इकट्ठे हुए हैं छद में एकता है, अभी चुनाव खत्म हो गए फिर लड़ेंगे, कमलनाथ लड़ेंगे दिग्विजय सिंह से, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे सिंधिया से, लड़ाई रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है, फाँक फाँक अजय यादव राहुल सिंह सारे के सारे, आप देखना क्या जंग होती है अभी देख। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव जी, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर गोपाल भार्गव जी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर साफ तौर से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और रैली में एक बार फिर विकास के नाम पर जनता उन्हें चुनकर भेजेगी। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, रैली।